गाइस वेलकम बैक अगेन। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप मान के चलिए कि आपका ईवीएस में से आज दो नंबर का हो जाएगा, ठीक है, इसी वीडियो से। सो पहले बात है कि ये पूरा जो वीडियो है वो एनिमल्स के ऊपर है, एनिमल्स के बारे में सब कुछ बताया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सो देखिए, पहला पॉइंट है, जो आंट होती है, चींटियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, जब भी चलती हैं तो उनके पीछे एक सब्सटेंस रिलीज होता है, ठीक है, और जिसको सूंघ कर जो चींटी उसके पीछे होती है उसको वो समझ जाती है, उसको फॉलो करती रहती है, ठीक है। तो आंट्स में ये आदत, तभी आपने देखा भी होगा जो चींटियां होती है वो एक लाइन में चलती हैं, ठीक है, तो वो एक सब्सटेंस को सिक्रिएट करती हैं एंड आफ्टर सिक्रिएटिंग दैट सब्सटेंस वो लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं पीछे वाली चींटियां एंड देन आगे चलते हैं, ठीक। और फिर बात करते हैं, कुछ मेल इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपनी फीमेल को, अपने पार्टनर को उसकी खुशबू से पहचान लेते हैं, उसकी जो सुगंध होती है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब उसका जो स्मेल है उसे पहचान लेते हैं, ठीक है। सो मेल वालों के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी। और जो मॉस्किटोज होते हैं, जो मच्छर होते हैं, वो इंसान को पहचानते हैं उसके टोस की जो स्मेल होती है, जो पंजे होते हैं पैरों के, और जो हीट होती है हमारी बॉडी से होता है ना, जैसे सिक्रिएशन होते हैं, तो उसके थ्रू वो लोग पहचान लेते हैं मॉस्किटो की यहाँ पर ह्यूमन बींग्स है, इसलिए वो मंडराना शुरू कर देंगे और वो मच्छर फिर काटता है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका मॉस्किटोज वाला। और फिर एक पॉइंट होता है डॉग वाला, जैसे एक डॉग होता है उसको अपने एरिया के जितने भी डॉग्स होते हैं उनके बारे में पता रहता है बाय द हेल्प ऑफ द ऑर्डर, एक उनकी गंध होती है, तो उस गंध से एक डॉग दूसरे डॉग को पहचान लेता है कि वो उस एरिया का है कि नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही एक मेल सिल्क वॉर्म होता है। सो जो मेल सिल्क वॉर्म होता है वो अपनी फीमेल को बहुत, अगर किलोमीटर दूर भी है, मान लीजिए कुछ अगर किलोमीटर है, 4-5-6 किलोमीटर, तो उतनी दूर से वो उसको देख सकता है और पहचान सकता है कि ये उसकी पार्टनर है, ठीक है। सो मेल सिल्क वॉर्म में वो चीज़ है, मतलब एक यूनिक स्टाइल होता है। सो ये पॉइंट भी ज़रूरी था। और फिर बात करते हैं, जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी मतलब गर्दन को ज़्यादातर यूज़ करती हैं चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है, और उनके जो मतलब जो आई बॉल्स होते हैं, जो पुतलियाँ होती हैं आंखों की, वो जल्दी से मूव नहीं करती हैं, वो अपनी गर्दन को घुमा कर देख सकते हैं अगल बगल, ठीक है। तो ये ज़्यादातर बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। और कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो दो जगहों पर एक साथ देख सकती हैं, मतलब एक आई जो मतलब एक आई बॉल होगा वो एक जगह और एक दूसरा होगा एक और जगह, ठीक है, ये कुछ बर्ड्स में होता है। और जो ज़्यादातर बर्ड्स होती हैं वो अपनी गर्दन से ही मतलब घुमाती हैं तभी देख पाती हैं, मतलब कि उनकी जैसे कि आई बॉल इतना मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है। और येला पॉइंट बहुत बार आया हुआ है, ईगल, टाइगर और हॉक, ये जो तीन हैं एनिमल्स, इनकी जो विजुलाइजिंग पावर, जो देखने की जो क्षमता होती है वो हम लोगों से 4 गुना होती है, मतलब हम लोगों से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है। गिद्ध मतलब ईगल, टाइगर और हॉक, ठीक है, ये तीनों जानवर के नाम आप ध्यान रखिएगा, पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कि 4 ऑप्शन दे देगा, इन तीन के नाम होंगे और एक और का होगा, तो उसका और टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रात में देख सकते हैं, अगर वो एनिमल रात में देख सकता है तो उनको खाली ब्लैक और वाइट कलर नज़र आता है और कोई कलर नज़र नहीं आएगा, ठीक है, ये भी पॉइंट ज़रूरी है। और स्नेक्स के जो कान होते हैं वो बाहर की तरफ से होते हैं और जब भी कोई वाइब्रेशन होता है तो उनको वो लोग सुन लेते हैं और वो क्रॉल करके सुनते हैं, ठीक है, जब वो क्रॉल करेंगे तो वो वाइब्रेशन जो कंपन होती है उसको वो लोग समझ लेते हैं और देन वो लोग चीज़ों को मतलब तब वो मूव करते हैं, ठीक। और एक ऐसे लंगूर होता है, तो लंगूर क्या करता है, टाइगर और लायन को देखने पर अलग तरह की आवाज़ें निकालता है, ठीक है, और ये अलग आवाज़ निकालने का जो सिस्टम है वो कुछ एनिमल्स में और भी पाया जाता है, ठीक है। जैसे एक फ़िश हो गया, तो फिश जब भी डेंजर को देखती है तो वो अपने साथियों को मतलब एक बता देती है इलेक्ट्रिक वेव्स के थ्रू, इलेक्ट्रिक वेव्स वो जब भेजती हैं तो फिशेस समझ जाती हैं कि आगे कोई खतरा है, तो एक ये चीज़ होगी काफ़ी इंपॉर्टेंट। और लंगूर क्या करता है, जब लायन और टाइगर को देखता है तो वो अपने एक अलग आवाज़ में अपने साथियों को वो कर देता है, मीन्स सतर्क कर देता है कि ये चीज़ है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गई, इनको वो लोग दूर से ही भाप लेते हैं, मतलब कि पहले से ही जान जाते हैं वाइब्रेशंस के थ्रू। जैसे 2004 में क्या हुआ था, अंडमान और निकोबार आइलैंड में, वहाँ पे एनिमल्स ने ऐसे कोई संकेत दिए थे जिसके वजह से जो वहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं उनको समझ में आ गया था, वो लोग को पता होता है, मतलब कि इतने सालों से लोग रह रहे होते हैं उनके साथ तो उनको सब चीज़ें होती हैं पता, तो वहाँ के जो एनिमल्स थे उन्होंने साउंड के थ्रू संकेत दे दिए थे कि यहाँ पे सुनामी आने वाली है, तो इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने वाला एरिया छोड़ दिया और वो दूसरे एरिया में शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ज़रूरी है कि बहुत एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको अर्थक्वेक और सुनामी का मतलब वाइब्रेशंस को सुनने की मतलब एक कला आती है, ठीक है। और एक पॉइंट आपका और होता है,
जिसको बोलते हैं यहाँ पे जो डॉल्फिन्स होती हैं ये भी साउंड प्रोड्यूस करती हैं और इसी साउंड से वो लोग अपने दूसरे साथियों से कम्युनिकेट कर सकती हैं, ठीक है। और इन और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, और जो लिजर्ड होते हैं, जो छिपकली होती है, वो वेदर के अकॉर्डिंग नज़र आती है। मतलब जब वेदर एक होता है ना कि जैसे कि उनकी सुटेबल अगर एनवायरनमेंट होगा तभी वो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। सर्दियों में नहीं दिखती जल्दी, ठीक है। और एक वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है, एक होता है स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर क्या करता है, 17 घंटे सोता है दिन में, ठीक है। और वो क्या करता है, उल्टा लटक जाता है पेड़ से, तभी वो सोता रहता है। और उसकी जो पूरी एज होती है लगभग 40 साल की होती है, और वो क्या करता है, जिस पेड़ पर लटकता है उसकी पत्तियां खाता रहता है, और वो कुल मिलाकर 8 पेड़ पर रहता है। वो ना जमीन पे बहुत कम ही आता है, वो अपनी पूरी लाइफ सोते हुए गुजारता है और खाते हुए गुजारता है, ठीक है। और वो कुल मिलाकर अपनी पूरी लाइफ साइकिल में 8 पेड़ तक रहता है, 8 पेड़ पे ही रहेगा। और ये चीज़ होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी स्लॉथ बियर के बारे में। ध्यान रखिएगा, 17 घंटे सोता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी को खाता है, और उल्टे डायरेक्शन में लटक के सोता है ये, और 40 साल तक इसकी एज होती है और 8 पेड़ पर राउंड रहता है। साथ ही साथ कुछ जानवरों के स्लीपिंग आवर्स मैंने और लिखे थे, ये ध्यान से लीजिएगा। जैसे जो काऊ होती है वो 4 घंटे, अजगर जो होता है वो 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है, और कैट 12 घंटे सोती है। इन लोग के जो स्लीपिंग आवर्स है वो याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला पॉइंट। और ये स्लॉथ बियर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर बात करते हैं टाइगर के बारे में, कुछ फैक्ट्स आते हैं। टाइगर जो होता है वो हम लोगों से 6 गुना ज़्यादा देखता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर हम लोगों से 6 गुना ज़्यादा, 4 या 6 गुना आप लिख सकते हो, 4 गुना मैंने पहले पॉइंट में बताया था। और जिसकी जो मुस्टैच जो मूछे होती हैं उसके वजह से क्या कर सकता है, वो रात में रास्ता देख सकता है। उसके जो मूवमेंट होते हैं ना तो उसको डायरेक्शंस बताती हैं, उसके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है उन लोगों में, और उसी की वजह से वो अपने प्रे को भी पकड़ लेते हैं। प्रे मतलब शिकार जो होता है उसको भी वो लोग कैच कर सकते हैं। और जो टाइगर की जो एक वो होती है, रोर होती है, जब वो चिल्लाते हैं तो उसके उसकी 3 किलोमीटर तक की उसकी आवाज़ सुनाई देती है, टाइगर के रोर की। और वो अपनी वॉइस को चेंज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि जब भी वो कभी शिकार कर रहे होंगे तो उनकी आवाज़ अलग होगी, जब अपनी वाइफ को बुलाएंगे तो उनकी आवाज़ अलग होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, उनका जो चिल्लाने का जो एक पैटर्न होता है, वो जो सॉरी चिल्लाना या बोलना जो भी है उसके हिसाब से वो अपने पैटर्न को बदलते रहते हैं। और उसके कान काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, टाइगर की अगर हल्की सी भी पत्तियों की अगर आवाज़ होगी तो भी वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे उनका शिकार छुपा हुआ है, तो वहीं पे उसको मार देते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, एलिफेंट्स को मारा जाता है उसके टीथ के वजह से, राइनोसॉर को मारा जाता है उसकी सींग के वजह से, मतलब हॉर्न्स, और स्नेक को मारा जाता है स्किन के वजह से, और क्रोकोडाइल को मारा जाता है उसको भी स्किन के वजह से मारा जाता है। और जो डियर्स होते हैं, कस्तूरी डियर होता है, इसको उसकी खुशबू के लिए, स्मेल के लिए मारा जाता है, ठीक है। और ये उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के, ध्यान कर लीजिएगा, और भरतपुर राजस्थान में घाना बर्ड सेंचुरी है, ये बहुत ज़रूरी है। और घाना में बैन भी है बर्ड्स हंटिंग का, तो ये दोनों के नाम आप याद कर लीजिए, काफ़ी ज़रूरी है किसके लिए कब मारा जाता है ये, और टाइगर के बारे में कुछ फैक्ट्स हो गए, ये ज़रूरी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था ये आपका, ठीक है। सो थैंक यू।